Hello everyone, I'm Dr. Mohol Banker from Bankers Vasco Hospital, and today we are going to discuss this interesting case of the varicose veins into the lateral side of thigh. ज़्यादातर जो varicose veins होती हैं वो thighs के inner portion, medial side जो हम कहते हैं medical language में, वहाँ पर पाई जाती है. But varicose vein की कई odd sides हैं, हर एक साइड को evaluate करना ज़रूरी है. और आज इसी केस में देखेंगे कि ये patients के अंदर हमने क्या क्या ये लेटरल साइड ऑफ थाइस की जो वेरिकोज वेन है उसको हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे करते हैं. सो दिस आवर जस्ट इंट्रोडक्शन फॉर आवर बैंकर्स वास्को सेंटर. वी हैव डन मोर देन 12,000 प्रोसीजर्स फॉर वेरिकोज वेन्स एंड वी रन द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वेरिकोज वेन्स. सो लॉट्स ऑफ यंग डॉक्टर्स कम फॉर ट्रेनिंग फॉर varicose vein, and we teach them this our technique and we transfer our knowledge to them. So this is the case what we are discussing, कि ज़्यादातर ये जो varicose veins होती हैं वो ये thighs के अंदर के portion में ज़्यादा देखने को मिलती है. ये patient की बात करते हैं तो ये patients को यहाँ पे जो thighs के anterior portion and the lateral portion, मतलब बाहर की तरफ जो का पोर्शन है वहाँ पे बड़ी बड़ी फुली हुई नसें आपको देख रही है, ये वेरिकोज वेन्स हैं. यहाँ पे भी जो लेग के लोअर पोर्शन में भी देखेंगे तो उसको वहाँ पे बाहर की तरफ में वेरिकोज वेन्स पाई गई है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ वेरिकोज वेन्स, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि वाल में लीकेज होता है और वो लीकेज कौन सा वाल है उस हिसाब से वेरिकोज वेन्स की पैटर्न डेवलप होती है. So in our hospital we do Doppler by ourselves and we try to find out the culprit valve. कई सारे valves होते हैं, उसमें से जो valve में leakage है जिसकी वजह से varicose veins develop हुई है वो हमारे expert doctors हैं वो define करते हैं और उसी के हिसाब से हम treatment plan करते हैं. ज़्यादातर दूसरी हॉस्पिटल में क्या होता है कि दे रिलाई ऑन द अदर्स डॉक्टर्स रिपोर्ट, कि कहीं बाहर पर रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया है उन पे उनके रिपोर्ट पे रिलाई करके फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. बट देर इज़ नॉट अ ट्रेडिशन इन आवर हॉस्पिटल. वी एग्जामिन द क्लिनिकली, हम उस पर हमको अंदाजा लगता है जैसे इस पेशेंट में हम देखते हैं तो इसको एंट्रोलेटरल रिफ्लक्स होने की संभावना ज़्यादा है क्लिनिकली. Then we do the Doppler, we confirm our finding, and once we confirm it, we plan accordingly. So ये patients में आप देखेंगे तो thighs के बाहर के portion के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा varicose vein देखने को मिली, inner portion में बहुत कम थी. ये पूरी की पूरी lateral side of thighs में varicose veins हैं. So once we find it out, उसके बाद हमने देखा कि ये जो सफेनोफिनोल जंक्शंस हैं वहाँ पे जो एंट्रोलेटरल ट्रिब्यूटरी है जिसको एंटीरियर एसेसरी सफेनस वेन भी कहते हैं, तो ये वाल में लीकेज था. इसकी वजह से जो अंदरूनी तरफ का जो जीएसवी में रिफ्लक्स नहीं डेवलप हुआ, जो पैटर्न डेवलप हुआ है वो थाइस के एंटीरियरली एंड लेटरली ये पूरा का पूरा वेरिकोज वेन डेवलप हुआ है. सो फर्स्ट वी फाइंड इट आउट कि ये एंट्रोलेटरल ट्रिब्यूटरी में रिफ्लक्स है और उसके बाद ये कन्फर्मेशन के बाद हमने पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान किया और जो एंट्रोलेटरल जो रिफ्लक्स था इसको यहाँ पे वाल में लीकेज को हमने इसको ये विनासिल ग्लू करके नई टेक्निक है उससे हमने सील करने का पूरा ट्रीटमेंट प्लान किया. सो दिस इज हाउ द ट्रेडिशन ऑफ बैंकर्स वास्को हॉस्पिटल इज दैट कि वी इवेल्यूएट दिस वेरिकोज वेन क्लिनिकली, देन वी कन्फर्म द अवर फाइंडिंग ऑन द डॉपलर, एंड देन वंस वी ट्रीट इट तो क्या होता है कि पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसका हमारा रिकरेंस रेट इज़ ऑलमोस्ट नील. बाकी जो जर्नल में रिपोर्टेड है कई सारे सेंटर्स में, इंटरनेशनल सेंटर्स में 5% तक का, 5-7% तक का रिकरेंस रेट है. मतलब कि 100 पेशेंट ऑपरेट करते हैं वो लोग लेज़र से या नई टेक्निक से, तो 100 में से 5-7 पेशेंट्स ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर से वेरिकोज वेन लेके आते हैं. But in Bankers Vasco Hospital, almost it's nil because we do the Doppler by ourselves. We try to find out all the culprit valve and then we treat it. So उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा recurrence rate is almost nil. So hope you understand this topic well, and if you have any kind of question, do ask me. I would be very happy to give you answer. Thank you so much.